अस्सलाम वालेकुम। अभी आप मुझे देख रहे होंगे, आज ये फिर से आया हूँ मैं यहाँ मुजफ्फराबाद में, और ये पीछे ये है रेस्ट हाउस, इसे कहते हैं स्टेट लॉज रेस्ट हाउस। और ये स्टेट लॉज रेस्ट हाउस में जो भी हम आए हुए हैं, इसके पीछे ये आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत बिल्डिंग इस रेस्ट हाउस की, साथ में पीछे गार्डन, इसी के पीछे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये सामने बैक में ये सारी जिसे आ रही है, आप ये देख रहे होंगे पीछे ये जंगला, और पीछे आपको बहुत बड़ा दरिया बहता हुआ नज़र आ रहा है जिसे कहते हैं दरियाए एक्सक्यूज मी, इस दरिया को क्या कहते हैं? ठीक, ये से नीलम और झेलम दोनों कहते हैं। ठीक, ओके, आपको पीछे ये नज़र आ रहा होगा ये सारा सीन। और साथ ही साथ अभी मैं आपको फिर से अपने ड्राइवर से भी मिलवाता हूँ। माशाल्लाह से मेरे ड्राइवर का नाम तो फ़ियाज है ही है, साथ में मेरी खाला के ड्राइवर का नाम भी फ़ियाज है इसके अभी, और साथ में उसकी बेटी और बीवी दोनों आई है। लेकिन फ़िलहाल आप उसकी बेटी को देखेंगे मेरी खाला वाले फ़ियाज के, ये सामने है मेरी खाला वाला फ़ियाज और ये सामने बैठी है उसकी बेटी। ये देखा आपको बाय बाय कह रही है, ये सामने है अपना फ़ियाज और पीछे है नोमान। ये देखा इसने विक्ट्री का साइन दिखाया है, खानपुर की बकरी है, खानपुर की बकरी नहीं, आप समझ गए खानपुर की बकरी किसे कहा जा रहा है, यानी इसी को, क्योंकि खानपुर से क्या यूट्यूब से जाएगी। और पीछे ये सारा व्यू वगैरह ये सारा नज़र आ रहा होगा, साथ में ये आपको रेस्ट हाउस भी, ये सारे पीछे बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। अब मैं आपको दरिया का सीन दिखाता हूँ, ये देखिए ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा पूरा दरिया, दरिया ये सारा, वो देखिए अब ये जो सामने जो है ये पता नहीं आग, ये कोई आग लगी हुई है या, हाँ आग लगी हुई है वहाँ पे सामने वाले पहाड़ पे, ये आपको नजर आ रहा होगा, 100 किलोमीटर ये आपको ये सारा नजर आ रहा होगा, ये जो आपको वाइट वाइट सा नजर आ रहा है ना, ये दूर से आग लगी हुई है उसके, ये समय धुआं है जो उस पहाड़ में से निकल रहा है, जिधर जा रहे हैं उधर ही पहाड़। और ये सामने सारा ये अब आपको पूरा ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा पूरा व्यू, ये अब आपको 360 डिग्रीज में पूरा व्यू आपको दिखाते हैं, ये सारा देखिए ये बिल्डिंग्स किस तरह बनी हुई हैं इस जगह पे, ये मुजफ्फराबाद में, वाह क्या बात है मुजफ्फराबाद की, ये तो कश्मीर है इसकी फिजा का क्या कहना, देश दुल्हन है ये दुल्हन के तन का है गहना। अच्छा इसका अंदाज देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए ये किसका हंस पड़ा है, क्योंकि जाहिर बात है बेचारा वो अभी, अब क्योंकि खानपुर से इधर पहली मर्तबा कश्मीर में उसका ये पहला कदम था, रेगिस्तान भी भेड़ है, भेड़ रेगिस्तान है, चली वाला कल गाना जो चली वाला गाना, हाँ वो चल साढ़े पिंड तेनु चलिया चबावांगे, बाजरे दी रोटी साग मक्खन खवावांगे, वाह ये देखिए ये सामने एक इधर से यार ये एक टू जेड, अब ये देखा फाइटिंग शुरू हो गई है कैमरे की, इधर से भी कैमरा उधर से भी कैमरा, वाह क्या बात है, ये सामने मेरा सबसे छोटा भाई अली, ये जो है अभी बैठा हुआ नज़ारे ले रहा है, और देखा ये किस तरह अभी इसे बेचारे को इतनी ठंड लग रही है, उसे बेचारे ने अपनी ठीक। बात ये थी अभी क्योंकि जिन मेहमानों ने हमारे लिए बंदोबस्त किया हुआ अभी क्योंकि वो आए गए थे तो तब मैं उनके साथ मिलने लग पड़ा था। अब ये देखिए अब मैं आपको फिर से, अब तो पहले आपने देखा था कि मैं इनको फ्रंट से ले रहा था, अब मैं ये सामने से आप मुझे देखेंगे, पहले तो आपने वो वाली साइड देखी थी ना ये जहाँ पर मेरी उंगली है, अब आप इधर से देखें मेरी बैक साइड से भी ये दूसरे वाला सीन भी नज़र आ रहा होगा। और पीछे ये देखिए पीछे है ये सामने, ये अभी जिसे बड़ा शौक है गाने सुनने का कि छलिया चल साढ़े पिंड तेनू छलिया चबावांगे, बाजरे दी रोटी साग मक्खन खवावांगे,
हाँ लेकिन ये बेचारे, लेकिन इसने कभी आवाज बहुत प्यारी है, लेकिन बात यह है कि इसने ना ये बाजरे की रोटी साग भी नहीं खिलाया और साथ में इसमें छलियां भी चबाई। छलियां तो आपकी हैं उधर, 40 एकड़ छली है। हाँ छलियां मारी है लेकिन हमें एक दाना भी नसीब नहीं हुआ छली का। वाह क्या बात है सर, आपको आप आएंगे तो खिलाएंगे। आप ये देखिए ये पीछे अपना फयाज, फयाज अहमद साहब ये सामने, और ये देखिए सारे फिर से अब आपको अब ये देखिए ये फिर से, अब आप इधर से मेरा 360 डिग्री एंगल पे फिर से सेल्फी वाले व्यूज देखे। ये सामने देखिए, ये सामने पीछे नुमान अब भाग रहा है, ये देखे ये सामने। ओके अब ये आज के ये अब ये रात अब होगी है और आज का क्लिप जो है अब ये यहाँ तक, और अभी इसे क्लिप से पहले मैं अभी आपको अभी ये दिखाता हूँ ये किस तरह क्या क्या व्यू है इसका। ये सेल्फी वाला व्यू आपको नज़र आ रहा होगा पूरे, अब ये पूरे 360 डिग्री का सेल्फी व्यू। हेलो ठीक, अभी वो क्योंकि उस वक्त अंधेरा था तो इसलिए वो रोशनी पे नहीं था, अब मैं ये रोशनी पे हूँ और अभी आपको सारा ये नज़र आ रहा होगा पीछे पूरा व्यू सारे का सारा। और ये पीछे फिर से आप देख रहे होंगे ये पीछे आ रहा है नुमान, एक बार की गड्डी चढ़ी है ना उस साइड लो आए ऊपर चिड़ियां बैठा थी ठीक है वो बड़ा खराब वो बस। ओके अब आपका क्लिप यहां तक, लेकिन जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के दिए हुए बटन को क्लिक करें। ये साथ में आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे ये पीछे जो ऐसे कमरे में आजकल हम लोग सेटल हो गए, लेकिन ठीक आज का क्लिप यहाँ तक, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके आज का क्लिप यहाँ तक।